तो दोस्तों ये इसका जो हुड है वो ओपन हो चुका है, सो अब दिखाते हैं आगे से। सो दोस्तों अब इसका जो हुड है सो ओपन कर लिया है, सो अब जो इस साइड की फिटिंग है बैटरी और कोई एयर फिल्टर सो ये सब रिमूव करके सो इसका ट्रांसमिशन को रिमूव करेंगे, क्योंकि जो कलच रहता है वो फ्लाईव्हील के साइड में लगा रहता है, सो इसलिए हमें ट्रांसमिशन रिमूव करना पड़ता है। सो अब करते हैं इसका धीरे धीरे ट्रांसमिशन रिमूव, सो सारी फिटिंग करते हैं रिमूव। यह है i20 हुंडई i20 डीजल। सो इसकी हमने जितनी भी ये एयर फिल्टर बैटरी ट्रे बैटरी ACM वगैरह जो इस साइड की फिटिंग है थोड़ी रिमूव कर लिया है। सो अब हमारा जो ट्रांसमिशन है ये इजीली दिख रहा है, सो ये ट्रांसमिशन पूरी हाउसिंग कंप्लीट बाहर निकालेंगे, वहाँ से जितने भी बोल्ट वगैरह सब रिमूव करके सो इसकी गियर रोडे सब फिटिंग धीरे धीरे रिमूव करते हैं, फिर हम ट्रांसमिशन को बाहर निकाल के फिर हमारा जो कलस यूनिट है वो ईजिली हम देख सकते हैं और उसे हम रिप्लेस करेंगे आज। सो इसमें दिखाते हैं अभी करते हैं बाकी रिमूव जल्दी जल्दी। ये गाड़ी है हुंडई i20 स्पोर्ट्स, सो करते हैं जल्दी रिमूव। तो दोस्तों जो इसका ये ट्रांसमिशन है ये रिमूव हो गया, सो ये इसका कलच सेट है, सो आज हम इसे रिप्लेस करेंगे, सो करते हैं इसे रिमूव। तो दोस्तों जो इसका कलर सेट है और ट्रांसमिशन सब रिमूव कर दिया है, सो वो फ्लाईव्हील है, सो उसका नीचे ये कलर सेट है, सो एक प्रेशर प्लेट एक क्लच प्लेट सो हमने रिमूव कर दिया है, सो डिफेक्ट हो चुकी है, सो अब इसमें दूसरा सेट इंस्टॉल करेंगे। सो दोस्तों ये हो चुका है इसका प्रॉपर फिटिंग, सो उसकी जितनी भी फिटिंग वगैरह है सब हमने कर दी है। सो इसका हमने कलर सेट रिप्लेस किया था, कलर सेट कलर बैरिंग सो सब हो चुका है। सो गियर लगा अंदर चलते हैं गाड़ी में, सो दिखाते हैं गियर प्रॉपर लग रहे नहीं लग रहे। सो ये है हुंडई i20 स्पोर्ट्स, सो अंदर से दिखाते हैं, यहाँ से हो चुका है फाइनली कंप्लीट फिटिंग। सो दोस्तों ये हो चुकी है फाइनली कंप्लीट, सो इसका जो कलर सेट है सो रिप्लेस कर दिया है, सो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सो हो चुकी है फाइनली कंप्लीट और इसका जो गियर है ये सारे चेक कर लेते हैं एक बार, लग रहे नहीं लग रहे प्रॉपर। सो ठीक है, सो सारे गियर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, सो इसका जो कलर सेट है वो प्रॉपर हो चुका है, सो ये हो गई गाड़ी फाइनली कंप्लीट। सो ये थी हुंडई i20 स्पोर्ट्स, सो इसमें हमने कलर सेट इसका चेंज किया था, सो इसमें पिकअप था नहीं बिल्कुल भी, सो उसकी जो कलर सेट था वो बिल्कुल ही डिफेक्ट हो चुका था, सो हमने अब इसका कलर सेट चेंज कर दिया है, सो अब इजीली सारे गियर लग जा रहे हैं। सो ये थी हुंडई i20 स्पोर्ट्स।